तो यार हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। तो आपका मेरे चैनल पे वापस से बहुत बहुत स्वागत है। मैं जानता हूँ कि अभी ऑलमोस्ट वन मंथ बाद में मेरी न्यू वीडियो आई है और उसके लिए बहुत सॉरी, बहुत ज़्यादा सॉरी। बट ऐसा क्यों हुआ है, क्योंकि मैंने आपको पिछली वीडियो में बोला था, जो कि राइडिंग ग्लव्स की वीडियो थी, आपने अगर वो अभी तक नहीं देखा तो जाके देख सकते हो। उसमें मैंने बोला था कि मेरा एक बहुत ज़्यादा बड़ा सरप्राइज आने वाला है, तो ये रहा वो पैकेज मेरे हाथ में। तो मैं क्या करूँगा, आज जाके वो मेरे को रिसीव हुआ है। तो अभी जैसे जो मेरे को रिसीव हुआ, मैंने अभी ऑलमोस्ट 2-3 घंटे पहले रिसीव हुआ है, तो अभी जस्ट मैं वीडियो बना रहा हूँ। और हाँ गाइस, ये वीडियो भी 2 पार्ट्स में होने वाली है, जिसमें पार्ट 1 होगा सिर्फ इसकी अनबॉक्सिंग का और इसके बारे में थोड़ी बहुत बातें होगी, बट पार्ट 2 होगा इसकी डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन पर। जैसे कि मेरे को बहुत सारे DMs आए थे कि आपको मुझसे बैंगलोर के बारे में या फिर जो कैमरा है इसके बारे में मुझे पूछना था, तो बहुत सारे DMs आए थे। उन सबकी मतलब सबकी डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन मैं अपने आपको सेकेंड पार्ट में दूंगा। तो अगर आपको इस कैमरा के बारे में देखना है तो इस वीडियो के पार्ट में बने रहिए। और इसके अंदर है एक एक्शन कैमरा, एक कैन H9R। और हाँ गाइस, अगला पार्ट जो होगा वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा उन लोगों के लिए जो इस बैंगलोर मतलब उन लोगों के लिए जो बैंगलोर से ये परचेज करना चाहते हैं या फिर थोड़ा बहुत मैंने मेरी वीडियो के बारे में जानना भी चाहते हैं, तो उन सब के लिए बहुत स्पेशल होने वाला है। तो ये पार्ट तो आप देखना ही देखना, नेक्स्ट पार्ट के लिए ज़रूर वेट करना और वो भी पूरा देख के जाना प्लीज़ गाइस। तो चलो कंटिन्यू करते हैं, बाकी बातें तो नेक्स्ट पार्ट में होती रहेगी। अभी डायरेक्ट जल्दी से इसको अनबॉक्सिंग करते हैं और देखते हैं इसके अंदर क्या क्या मिलने वाला हमें। और गाइस, ये बहुत ही अच्छा बजट कैमरा है, ये बात ज़रूर ध्यान रखना। GoPro किलर है ये एक टाइप का। और सबसे मेन बात, ये इंडिया में कहीं पे भी अवेलेबल नहीं है, कहीं भी। मैंने बहुत दिन तक रिसर्च किया, मुझे कहीं नहीं मिला। तब जाके मैंने बैंगलोर से मंगाया, वो शायद कैनेडा या कहीं से आया है, बहुत मतलब आउट ऑफ कंट्री से आया है, तो इसको बहुत टाइम लग गया। गाइस, मैंने 19 अप्रैल को ऑर्डर किया था, तो मुझे जाके आज रिसीव हुआ है। ये बहुत ज़्यादा पेशेंस चाहिए गाइस, अगर बैंगलोर से मंगाना हो कुछ तो। मैंने बहुत पेशेंस किया और आज जैसे ही आया मैं इतना ज़्यादा खुश था सुबह से, बहुत ज़्यादा। गाइस जल्दी देखते हैं इसके अंदर क्या निकल रहा है, मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, सुबह से मैंने कैसे इसको रख रखा है। तो चलते हैं अभी जल्दी अनबॉक्स करते हैं। ये देखो फ्रेंड्स, बहुत ही प्यारा एक्शन कैमरा है ये। वाह, मैंने अपनी लाइफ में आज से पहले कभी एक्शन कैमरा को हाथ में ले लिया। ये देखो, सच पूछ में बहुत प्यारा है, बहुत ही अमेजिंग, रियली लव इट। जल्दी से आपको इसके एसेसरीज का क्विक रिव्यू दे देता हूँ। ये देखो, सबसे पहले इसकी बॉक्स कंटेंट निकालते हैं। तो इसमें एक ही एसेसरी बॉक्स मिलता है हमें, जो कैमरा का केसिंग था। एंड सबको ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है, मतलब आपको बताना चाहूँगा नॉलेज के लिए, कि कैन के 2 मॉडल्स आते हैं, एक आता है ई कैन H9R और एक आता है ई कैन H9। तो ये मैंने मंगवाया ई कैन H9R, देख सकते हो आप ई कैन H9R। तो इसके अंदर रिमोट मिलता है, R स्टैंड फॉर रिमोट। तो जल्दी से इन सब चीज़ों को साइड कर देते हैं और रिमोट तो दिखा दिया, इसको एक बार डाल के साइड रखते हैं। और कैमरा तो अपना माशाल्लाह, ये रहा बहुत सही। अब इसे खोलते हैं एसेसरी बॉक्स को, एसेसरी आउटलेट। ये देखो, सबसे पहले इसमें मिलता है ये छोटा सा यूजर मैनुअल, सब कुछ इतना कुछ ना उसको रखते हैं साइड में। तो 1-2 मिलता है अपन को फ्लैट माउंट्स, कोई बेस पे लगाने के माउंट्स। और ये मिलता है अपने को IKEA का चार्जर। तो इसमें सिर्फ लीड मिल रही है, ये इसकी लीड मिल रही है हमें। एंड ये है सारे माउंट्स का मतलब बताता हूँ। ये माउंट है अपना ट्राईपॉड माउंट, ये ट्राईपॉड पे फिक्स हो जाता है। ये देखो कैमरा, इसमें से वाटरप्रूफ केसिंग है, उसका भी मैं आपको दिखाता हूँ, पहले ये माउंट्स दिखा देता हूँ। और ये है एक वाटरप्रूफिंग केसिंग का माउंट, बाई चांस अगर वो टूट जाए तो। और ये है स्क्रूज, स्क्रूज इसके अंदर लगते हैं ऐसे, और ये लगता है यहाँ पे कहीं, यहाँ पे ये यहाँ लगता है ऐसे, और फिर कैमरा लगता है यहाँ।
ऐसे फिक्स हो जाता है कहीं पर भी, फिर इसके एंगल्स वगैरह चेंज कर सकते हैं हम एंड ऑल ये सब कर सकते हैं। ठीक है, ये सब वो है, ये स्क्रूज है, ये भी और ये है अपना कैमरा का, मतलब अगर हेलमेट या कहीं पे लगाओ तो इसको कैमरा पे सेफ्टी के पर्पज से इधर फिट कर दो। ये पूरी मेटल की स्क्रीन है, बहुत अच्छी होगी। और ये मिलता है अपना स्क्रैच का माउंट, मैं आपको स्क्रैच करके दिखाता हूँ कि वॉच इस पर कहीं जाती है। ये भी बहुत पसंद है, ये भी वेलक्रो मटेरियल है, ये लाइट रिमोट में लग जाता है। अभी रिमोट पॉकेबल है आराम से, आप इसको यहाँ पे वॉच में पहन सकते हो वॉच की तरह एंड इसको यूज़ कर सकते हो। अभी तो फिलहाल अपनी ये वॉच है और इसको भी पहन सकते हो। और अपने साइड में ये हैंडल बार माउंट है, इसके बारे में आपको जल्द बताऊँगा हैंडल बार माउंट कहाँ काम आता है। ये जो बाइक की हैंडल्स या फिर ऐसी कोई रॉड वगैरह होगा वहाँ ये बहुत ज़्यादा सपोर्टेबल है, पूरा खुल जाता है और पैक हो जाता है। ये सब माउंट्स को अपने एक अलग कोई वीडियो में अच्छे से डिटेल्ड में यूज़ करके देखेंगे। और हाल फिलहाल में दो और माउंट करता हूँ, एक और माउंट भी कहीं लगेंगे। यार मुझे तो कैमरा बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा गाइस। अब मैं आपको इसकी वाटर प्रूफिंग केसिंग खोल के दिखाता हूँ। तो गाइस ये ऐसे खुलता है और ये कैमरा इसमें से बाहर आता है। हाँ गाइस सही में बहुत ज़्यादा क्यूट है ये, देखो एक बार आप इसे, बहुत छोटा सा है ये और मैंने अपनी लाइफ में कभी इतना छोटा कैमरा कभी नहीं देखा है यार। मैं इसकी क्विक फंक्शंस दिखा देता हूँ आपको। यहाँ पे ये SD कार्ड का स्लॉट एंड ये HDMI पोर्ट है एक, और एक चार्जिंग का इसका। और इसमें बहुत ही एक अच्छी बात समझ लो, गंदी बात समझ लो, कि इसके अंदर माइक अडेप्टर, एक्सटर्नल माइक अडेप्टर नहीं है। जो माइक अपन अभी यूज़ कर रहे हैं इसकी भी जल्दी अनबॉक्सिंग वीडियो आने वाली है, मेरे पास रेडी है, वो भी मैं जल्दी अपलोड कर दूंगा। उसके लिए अपन को अलग से एक माइक्रो USB 2 फीमेल जैक आती है वो लेनी पड़ेगी, तो वो भी मैंने ऑर्डर कर दी है, वो भी आने वाली होगी। और ये इसका बैटरी कंपार्टमेंट ऐसे खुलता है, बैटरी बाहर आती है, वाह। और इसकी बैटरी भी 1050 mAh की है, तो अच्छी खासी बैटरी है गाइस। बैटरी की कोई इशू नहीं आएगी अपने को, लगभग 1.5 hours चल लेती है ये। तो ये सब बंद हो गया गाइस, देखो बहुत ज़्यादा क्यूट है ये। तो इसको पावर ऑन करने का बटन शायद यही है, इसको प्रेस करके रखते हैं तो ये पावर ऑन हो गया। देखो गाइस वापस करके दिखाता हूँ मैं, देखो ये चालू होता है, ऐसे एक कैन रेड लाइट और ये कैन आएगा। और रियली में गाइस इसकी वीडियो क्वालिटी भी बहुत अच्छी है, ये देखो, ओ वाओ, इसकी वीडियो क्वालिटी काफ़ी अच्छी है, बेटर देन एक्सपेक्टेशंस, मेरी एक्सपेक्टेशंस भी नहीं थी इतनी, तो वाओ। तो गाइस चलिए आज की वीडियो में तो इतना बहुत है, मेरे हिसाब से मैंने शायद ही कुछ मिस किया, सब कुछ आपको बता दिया है। और रियली मैं बोलूँ तो गाइस मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था और मेरी एक्सपेक्टेशन जितनी थी उससे कई ज़्यादा 110% ज़्यादा ही उसने मेरे को रिजल्ट दिया। मैंने सोचा भी नहीं था इतनी अच्छी पैकिंग होगी, इतनी अच्छी इसकी क्वालिटी होगी, हर एक एसेसरी की इतनी अच्छी क्वालिटी होगी, वो भी इतनी सही प्राइस में गाइस, कभी एक्सपेक्ट भी नहीं किया। अच्छा मैं भूल गया आपको प्राइस बताना, तो शायद तक इसमें दिख रहा होगा, ये देखो अगर आपको पता चल रहा है तो ये मैंने करीब 4400 rupees में ऑर्डर किया है। तो खैर अभी तो इस पार्ट में इतना ही रखते हैं, वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ी हो रही है, तो नेक्स्ट पार्ट में बहुत डिटेल में सब कुछ आने वाला है, तो वो बिल्कुल भी मिस मत करना। नेक्स्ट पार्ट में अपन इसके बारे में और कुछ डिटेल में जानेंगे, बैंगोर के बारे में जानेंगे और उससे आपको ऑर्डर करना चाहिए या नहीं चाहिए, ट्रस्टेड है या नहीं, पेमेंट ऑप्शन सब कुछ आएगा। हालांकि गाइस मेरा ये टेक चैनल बिल्कुल भी नहीं है, अपना ये मोटो ब्लॉगिंग चैनल है, पर मैं अभी थोड़ी वेट करके वीडियोज़ डालूंगा क्योंकि अभी आप सब जानते हो हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है, बाहर निकलना इज़ वेरी वेरी डेंजरस, इसमें इन द बॉक्स कंटेंट भी अगर, तो अभी इसके साथ मैं बहुत ज़्यादा मज़े करने वाला हूँ, तो वीडियो को करता हूँ एंड। यहाँ पे अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करना, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और अगर अच्छी नहीं लगे तो प्लीज़ नेक्स्ट वीडियो के लिए ज़रूर वेट करना। तो मैं पक्का श्योर हूँ कि आपको नेक्स्ट वीडियो ज़रूर अच्छी लगी। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।